अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ समन उस्मान। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ वो है डर्माकॉस का हेक्सागोनल क्लींजर। डिटॉक्सिफाइंग, वाइटनिंग, रिजनरेटिंग, पीलिंग, सॉफ्टिंग, एंटीबैक्टीरियल, इसके ऊपर जो जो ये क्लेम कर रहा है तो ये इसके ऊपर बिल्कुल 100% पूरा उतरता है। डर्माकॉस मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने डर्माकॉस के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ अपनी जो है वो अपलोड की हैं। तो ये भी उसी तरह का एक हेक्सागोनल क्लींजर है। तो गाइज़ इसके दो क्लींजर हैं, एक है क्यूकम्बर, उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, और ये है एक्सागोनल क्लींजर जो कि डर्माकॉस के एक सीरीज़ है, उसके अंदर है फेशियल सीरीज़, उसके अंदर भी ये यूज़ होता है और ये सेपरेट भी यूज़ होता है। तो गाइज़ इसके बारे में साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट्स में दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। बाय द वे अभी तक मुझे इसको यूज़ करते हुए 3 to 4 months हो चुके हैं, तो मुझे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया। अगर कहा जाए इसका कोई साइड इफेक्ट है तो इसका 0% साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, पाकिस्तानी स्किन, उसके ऊपर उसको सामने रखते हुए ये जो है क्लींजर है इसको बनाया गया है। और डर्माकॉस कोई लोकल ब्रांड नहीं है, एक इंटरनेशनल ब्रांड होता है और एक पाकिस्तानी ब्रांड होता है। इंटरनेशनल ब्रांड वो होते हैं जैसे लोरियल, मेबलिन, ये सारे जो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। एक पाकिस्तान के अपने जो एक फेमस और अच्छे और हाई क्वालिटी के ब्रांड होते हैं जिनमें डर्माकॉस जो है वो सबसे पहला, उसका फर्स्ट नंबर आता है, बिकॉज ये मेड इन पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई फार्मूला फजूल नहीं है और ना ही ये लोकल ब्रांड है। तो चलते हैं अब आगे इसकी तरफ। तो ये जो है ये क्लेंजर जो है ये वाइटनिंग कास्ट देता है, तो बिल्कुल देता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करें इस क्लेंजर को तो ये वाइटनिंग कास्ट देता है। अगर आप इसको रोज़ भी यूज़ करें तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ओपन पोर्स इससे नहीं होते, बिकॉज ये जो क्लेंजर है ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसको सॉफ्ट हाथों से अपनी स्किन के ऊपर इससे मसाज करें तो आपके जो चेहरे के ऊपर जितनी भी डर्ट वगैरह, बैक्टीरिया है या कोई भी इन्फेक्शन हुई हुई है वो सब रिमूव होगी। और गाइस अगर किसी के सर क्लीन फेस पे पिंपल्स हैं तो मैं स्क्रब तो उनको बिल्कुल भी जो है रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन ये क्लींजर इतना सॉफ्ट, इसका टेक्सचर है कि आप इससे सॉफ्ट हाथों से मसाज करें तो जो आपके बैक्टीरिया होने की वजह से फेस पे एक्नी बन जाता है, पोर्स क्लोज होने की वजह से जो एक्नी बन जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसके लिए ये भी बहुत अच्छा। मेरे फेस, मेरी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन नहीं है, नॉर्मल, इस तरह की सर्दियों में नॉर्मल रहती है और गर्मियों में ऑयली स्किन है, तो जिसकी वजह से अब जो मौसम चेंज हो रहा है तो मेरे फेस पे भी जो है स्किन जो है वो चेंज होती है हमारे मौसम के हिसाब से, तो मेरे भी फेस पे पिंपल्स हो रहे थे। तो मैंने इस क्लींजर को यूज़ किया है, रोज़ मैंने यूज़ किया है जस्ट 5 minutes, और उसके बाद टिश्यू से क्लीन किया है या कॉटन से क्लीन किया है, ठंडे पानी से इसको यूज़ किया, गर्म पानी मैंने नहीं लिया। क्लींजर के लिए पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रब। तो मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे जो फेस है एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुई हुई थी वो सारी खत्म हो चुकी है, एक्नी खत्म हो चुकी है और स्किन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताती जाऊँगी, ये जो हेक्सागोनल क्लींजर है ये आप 6 months यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो टेक्स्चर मुझे ऐसा लगा ये विंटर सीजन के लिए है। तो जैसे कि हमारे पाकिस्तान में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर के एंड से लेकर मार्च के स्टार्ट तक, जैसे आज मार्च आई थिंक 11 या 10 मार्च है, तो तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई डोंट नो अपलोड कब करूँगी। ठीक है, तो तब से ये जो है इन 6 months के अंदर अंदर जो है आप ये यूज़ करें, इसका जो टेक्स्चर है वो विंटर वाला है। जो समर में आके हम लोगों ने यूज़ करना है उसका भी मैं बताऊँगी। आप किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ स्टिक होकर मत रहें, वो इस वजह से कि हमारी जो स्किन है वो जब एक प्रोडक्ट की आदी हो जाती है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट हमारी स्किन के ऊपर काम करना छोड़ देता है। इसीलिए हर ब्रांड अपनी एक नई से नई लाइन बनाता है, नए से नए प्रोडक्ट बनाता है और नए से नए प्रोडक्ट जो दुनिया में लॉन्च हो रहे होते हैं ताकि नए से नए प्रोडक्ट हमारी स्किन के साथ यूज़ करें। और हर मंथ हमारी जो स्किन है वो भी डिफरेंट हो रही होती है, तो अब समर से विंटर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो तब भी हमारी जो स्किन है उसका टेक्स्चर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, स्किन चेंज हो रही है, तो इस वजह से हमें अपने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी चेंज करना है और हर सीज़न में हमें एक अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट लेना है। और उसके बाद जो गाय मैं ये बताऊंगी कि जो हेक्सागोनल क्लींजर ये बेस्ट 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 क्लींजर है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, इसको छोटी बच्चियां भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मुझे एक और जो बात है वो बहुत अच्छी लगी कि अगर आप इसको अपने फेशियल में भी इस क्लींजर को यूज़ करते हैं तो जो आपके फेस है ना उसके ऊपर से जो ब्लैमिशेस, जो हल्के हल्के हमारे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स जो जो आगे छाइयों में कन्वर्ट होने होते हैं, जो फ्रिकल्स में आने होते हैं, वो भी कम होने लग गए हैं। बेस्ट क्लींजर है, वाइटनिंग कास्ट भी देता है,
और उसके अलावा स्किन को नीट कर देता है, फ्रेश कर देता है। अगर आपने मेकअप से पहले इस क्लींजर को यूज़ करें तो आपकी बेस बहुत अच्छी होती है। आई आई डोंट नो वाई कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पोर्स में से जो डर्ट है उसको भी क्लीन कर देता है। और उसके बाद जो है ये पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। और इन 6 मंथ्स के लिए खास तौर पे हेक्साकोनल क्लींजर जो है वो विंटर के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मेरी जो डर्माकॉस की वीडियो आनी है वो है समर, समर का जो क्लींजर है डर्माकॉस की ही जो लाइन है, ब्रांच है, उसमें से मैंने यूज़ करना, बिकॉज अभी मार्च है, अभी ठंड चल रही है, तो इस वजह से भी मैं हेक्साकोनल क्लींजर ही यूज़ करूँगी। मार्च में मैं जो है इसका जो क्लींजर इसी लाइन का चेंज करूँगी और उसका रिव्यू आपके साथ दूंगी। अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह का है। इस तरह का इसका कलर है, कलर टेक्सचर आप देखें, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने यूज़ किया, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। मुझे ये जो है 500 रुपीज़ का पड़ा है, पर किसी किसी शॉप्स पे ये 350 का भी है और ये 400 का भी है और 500 का। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में डर्माकॉस जो डुप्लीकेट है ना वो ना होने के बराबर है, आपको तकरीबन हर जगह से इसके जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स नहीं सही प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, ठीक है। और जो है ये कितने 2022 में ये एक्सपायर होगा और मुझे ये 500 रुपीज़ का पड़ा। और उसके बाद इसकी एक सबसे अच्छी बात ये कि इसके ऊपर आप ये भी देख सकते हैं, इस तरह का एक ना अलग से इन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर एक स्पैचुला दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं ये कि अगर आप इसमें से निकाल कर यूज़ करना चाहें और वापस इसको वॉश करके इधर ही इसको रख दें, तो ये देखिए कितनी बेस्ट चीज़ है कि आपकी मतलब हाइजेनिक होने की एक सबसे मतलब आपको अच्छी उन्होंने जो चीज़ है वो प्रोवाइड की है। उसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। या आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है जो जो ये चीज़ क्लेम करता है, सॉफ्ट करता है, ये बहुत बेस्ट है। मैं सोचती हूँ कि मेडिकेटेड क्लिनजर की तरफ जाने से बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें, ये मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगा फिलहाल। तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वो भी बहुत जल्द आएगी। तो थैंक यू सो मच।